आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर है। मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ी रिटेन होने हैं। आईपीएल की पुरानी 8 टीमों को 30 नवंबर तक रिटेन किए खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है। कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन होने हैं इसे लेकर पंजाब किंग्स में उहापोह होगा। ये टीम ऐसी है जिसने आज तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। ऐसे में खिलाड़ियों को रिटेन करने से पहले तमाम पहलुओं पर विचार चल रहा होगा। पंजाब किंग्स ऐसी टीम है जिसमें कप्तान है केएल राहुल। केएल राहुल इस समय तूफानी फॉर्म में है। न्यूजीलैंड सीरीज में उनका बल्ला जमकर चला है। इससे पहले आईपीएल 2021 और आईपीएल 2020 में भी उन्होंने तूफानी प्रदर्शन किया, लेकिन टीम के कप्तान के तौर पर अभी सफल नहीं हो सके हैं। आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स को कोई खास सफलता नहीं मिलने के बाद पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट और केएल राहुल में अनबन की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अगर उन खबरों को सच मान लिया जाए तो केएल राहुल के रिटेन होने पर सवाल उठते हैं। वहीं केएल राहुल के अलावा पंजाब में क्रिस गेल और निकोलस पूरन जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी पिछले आईपीएल में फ्लॉप रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप में भी दोनों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में इन खिलाड़ियों को रिटेन करने में पंजाब किंग्स कदम पीछे हटा सकती है। अब सवाल ये है कि पंजाब किंग्स रिटेन किसे करेगी। पंजाब किंग्स में एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने आज तक आईपीएल का कोई मैच नहीं खेला, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 4 गेंदों पर लगातार 4 विकेट लेकर चर्चा में आ गया है। इस खिलाड़ी का नाम है दर्शन नालकंडे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह विदर्भ की ओर से खेलते हैं। शनिवार को विदर्भ और कर्नाटक के मैच में उन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट झटके, इसके बाद से चर्चा में बने हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केएल राहुल, क्रिस गेल और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ियों को छोड़कर पंजाब किंग्स दर्शन को रिटेन करेगी। अंततः पंजाब किंग्स का मैनेजमेंट क्या निर्णय करता है यह तो 30 नवंबर तक पता चल पाएगा। फिलहाल सबकी नजरें दर्शन पर टिकी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।